क्या नाम है मेरे भाई का? राहिल। राहिल क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी स्माइली की जी बहुत अच्छा लगता है मुस्कुराते चेहरे से मिलके। राहिल हेयर स्टाइल बहुत आला बॉय का, साइड से फेड यू नो हल्का सा फ्लिक दिया है, अभी इन फैशन हेयर स्टाइल है, बैंड इज देयर, वॉच नहीं पहनी कोई ने? वॉच बोला है, बोला है नहीं। नॉर्मली जो पिंक कलर होता है ये लड़के कहते हैं यार लड़कियों वाला कलर, लेकिन आपने पहना है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। इवन दो की थोड़ी जो प्रिंटिंग है ये बकवास लग रही है। हां शुक्र है, खुद ही मान लिया बकवास लग रही है, ठीक है, लग रही थी थोड़ी सी। जीन्स आर गुड, कॉर्नर्स आर गुड। अच्छा, वेरी वेरी इंप्रेस, यू नो, डे बाय डे हम लोग 11 नंबर करने निकलते हैं और हम देख रहे हैं कि यूथ का जो फैशन सीन है ना वो बदलता जा रहा है। हमें बहुत कम जोगीज मिलते हैं, शायद इसलिए कि यूनिवर्सिटीज आर क्लोज एंड ऑल दैट, पर नॉर्मली ऐसी हैपनिंग प्लेसेस पे बॉयज आर टिप टॉप, सिर्फ थोड़ी सी बकवास टी शर्ट के साथ। एनीवे जी, आज की ड्रेसिंग को रेट करो रही 1 to 11, फिर आगे क्वेश्चंस पूछूंगे। 7 रहील, मुझे सबसे पहले ये बता कि किसको आइडलाइज करता है, यू नो किसी को तो बंदा देखता है कि यार इसके जैसा फैशन कर लो। पांच शेयर को चल जा जब 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 कोई लड़का कहेगा ना 5-6 को, तो उसी वक्त इंटरव्यू खत्म, क्योंकि मुझे नहीं सुनना, मुझे सुनना है कि आप किसी और को करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरुषा। अरुषा क्या कर रही हैं आज फैशन शो पे? आपको देखने आई थी। झूठ बोल रही मेरी फ्रेंड की फ्रेंड। अच्छा अरुषा, जल्दी से बताएं फैशन सीन क्या है आपका? टी शर्ट वगैरह लाइक करती हैं? हाँ, आई यूजुअली वेयर टी शर्ट। किस तरह की चीज़ आप लाइक करती हैं? प्रिंटेड और प्लेन, कलरफुल, ब्राइट कलर्स। ऐसी चीज़ अच्छी लगती है जिनके मतलब जो स्टफ होता है, जिनका कपड़ा होता है, उसी में फूल वगैरह पहले से प्रिंट हुए होते हैं? Depends on the mood. ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि आपको एक टी शर्ट देनी है, मैंने इसमें 5-6 लोगोज हैं, गुची, अरमानी, एक ही शर्ट पे सबने मिलके बनाई, पहनेंगे आप? Obviously, try तो करूंगी ना। भाई इस जोगन है यार। इसको कहते हैं जोगी टी शर्ट, जिसपे 2-3 ब्रांड्स इकट्ठे आ जाते हैं, वो पठान बनाते हैं बैठ के। हो चा ठाक, आप भी तो वही पहनते हैं ना, तो आपको देख देख के वही पहनते हैं। अच्छा देखिए, दिस इज रियलिटी जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि टीवी पे आके बी प्रैक्टिकल, अगर 5-6 पे अटैक करना है तो पूरी लिख के लाया करो स्टोरी। अभी इन्होंने कहा है कि 5-6 ऐसी टीज पहनते हैं, 2 साल से मैं टीवी पे हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैंने कभी ऐसी टी पहनी तो रूषा को जरूर दिखा दे, ठीक है? रूषा 5-6 झूठ ही तो नहीं बोलता, इसलिए तो वो चीकोस खड़े ना मारो। आज की ड्रेसिंग को 1 to 11 रेट करें। यू आर नॉट वेयरिंग एनी वॉच, नो बैंड्स, स्किनी जीन्स, वी आर विद द जीन्स, और आखिर साहब ने जो हील्स पहनी वो अबिट यू नो पार्टी और शादी वाला सीन है। पम्प पहन लेती यार, हाइट का थोड़ा सा उसमें क्या, रियलिटी पसंद बनो यार। मैं कोला भी पहन लेता हूं इतना। नो सीरियसली, एक्चुअली मैं अपने शो से आ रही थी इसलिए। अपने शो से? या कौन सा? मैं करंट अफेयर्स जी, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स। चला ये कहीं और जा रही स्टोरी। एनीवे थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग, देयर यू गो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस ठीक। बदले नहीं तुम पिछली बार से? इतनी मेहनत की तुम पे, तुम्हारे बाल बदले, तुम फिर वही लेके निकल पड़े हो घर से? कुछ नहीं चेंज हुआ। ठीक है, ये लेदर बैंड बहुत अच्छा लिया, ठीक है, वॉच स्टिल सेम है अपने से बड़ी, ये क्या चक्कर है यार? मेहनत का क्या फायदा अगर हम आपको इतनी मेहनत करते हैं? देखिए, दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल, हमने इस लड़के को बदला था, हमने इसको बताया लाइट कलर्स पहन भाई, ये वाली पार्टिंग रख, अगेन वो इस तरह निकला है, क्या सीन है बॉय? बस सिंपल। मैं बहुत सिंपल क्यों भाई, बताओ यार जल्दी से। बस जो अच्छा लगा वही पहन लिया। चल यार, उसको अच्छा लगा, क्या किया आज की ड्रेसिंग रेट तो करवा ली लाया मैंने। 4 हमारे शो पे, तो हमने आपको दोबारा दिखाया कि हम मेहनत कर लेते हैं, इनका दिल नहीं करता। अब मैं क्या करूं, मैं इनके घर तो नहीं जा सकते, नहीं करें।
नबील पहले भी आ चुके हमारे शो पे. हाँ, this is the second time. Second time, this is the second time. नबील क्या फैशन सीन है बॉय का? साइड से फेड है, you know, light है, spice है, आला लग रहा है. You're looking really posh, you know. ऐसी ड्रेसिंग लाइक करते हो, स्मार्ट स्मार्ट. हाँ. ठीक है, कॉलर का साइज? कॉलर का साइज है, दरअसल मैंने लाहौर से नहीं ली शर्ट. अच्छा, क्या बाहर के? बाहर से, मुल्तान से. That's why वहाँ पे हाँ इमरजेंसी में पहन के आ गए क्योंकि पसंद है ब्लैक कलर. लव ब्लैक कलर. ठीक है, क्या कहूँ मैं, ये जो चूड़ी टाइप बैंड है ये ठीक है, गुड है. वॉच नहीं हुआ कि या इतनी अच्छी ड्रेसिंग के साथ? आई कैन से कि आई एम नॉट अ पंक्चुअल पर्सन. पंक्चुअल पर्सन, इसीलिए पंक्चुअल होना भी नहीं चाहते. वॉच नहीं हुआ. थोड़ा सा एक्टर है तेरे अंदर छुपा हुआ, यू नो दैट. निकालूं बात? हाँ निकाल, चल गुड है, शुरू कर बाद में. देखा बोल देना जी बे. निकालूं बात? निकाल नहीं. देखिए हमारे शो में तो टेंशन नहीं, अगर आप कहेंगे ना हमने कपड़े उतारने नंगा होना है तो देखो हम जरूर करेंगे. दिखा भाई. नहीं नहीं. अच्छा अच्छा, आज की ड्रेसिंग को रेट कर 1 से 11. पिछली बार आपने मुझे 5 दिए थे, बहुत ही गलत नंबर थे. ठीक है, जो कि आपके डायरेक्टर ने दिए थे, फिजान सलीम आई थिंक. ठीक है ठीक है. इस बार भी मैं 80 कहूँगा जैसे पिछली बार गए थे. इस बार भी मेकल वो इतने ही देगा. थैंक यू जी. This is end of 11 number and we were at Design Emporium जहाँ launch था fsclothing.com का, जो कि मेरा brand है, मेरा brand है. लेकिन आप लोग, हम लोग इसकी publicity नहीं करेंगे. आप लोग t-shirt देख के अंदाजा कर सकते हैं कि क्या scene होगा. Jeans were by Amabila. Jeans कमाल है जी, no doubt in it. अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंडी. यू नो, ट्रेंडी स्टफ पहनने के लिए यू हैव टू बी अ बिट बोल्ड. कि आपको लोग कहेंगे कि यार ये टी शर्ट पे क्या बना हुआ है, इस पे तो बंदर बन गया, इस पे बंदर. आपने पहनी भाई, इफ़ यू कैन कैरी इट देन गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग. तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का शो कैसा लगा. वी वर एट अ फैशन शो स्पेशली फॉर यू गाइज. तो आप लोग जरूर बताइएगा. प्लस चलो पहले पिक्चर्स देखें फिर आगे बात करते हैं. आज की पहली पिक्चर है हमाद अहमद की. हेयर स्टाइल इज काइंड ऑफ गुड, शेड्स आर रियली इंप्रेसिव. द ओवरऑल फॉर्मल लुक इज कूल, नो वॉच, नो बैंड, नो ब्रेसलेट. बट ओवरऑल फॉर्मल लुक विद द बियर्ड इज लुकिंग शार्प. सो ही विल स्कोर 7 out of 11. साद खान, सबसे पहले बेटा 3 times खाना खाएं, देन ट्राई टू वेयर समथिंग फॉर्मल लाइक दिस. ओवरऑल लुक देखी जाए तो वेस्ट कोट, ड्रेस शर्ट, एवरीथिंग इज यू नो इन मैचिंग एंड लुकिंग कूल. बट अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फिजिक ही इज लुकिंग लाइक अ तिनका. So for the looks and all that, he will get 3 out of 11. For the dressing and the, you know, combination, he will get 7 out of 11. Saqib Ali. Saqib Ali ka hairstyle kind of normal. The sweater thing is kind of normal. Jeans again normal. Converse normal. No watch, no band. So rating bhi normal hogi bhaiya. So 4 out of 11. ओके okay, यदि पिक्चर्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगा. पिक्चर्स कसम से मेरे कभी कभी दिल करता है ये सेगमेंट खत्म कर दे, लेकिन अगेन आपको अंदाजा नहीं है, वी हैव अबाउट 3,000 to 4,000 पिक्चर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हमें दिखानी तो है, चाहे दिखाते दिखाते मेरा बेटा आ जाए तो वो जरूर दिखाई जाएंगी. आप लोग अगेन हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें और बताएं अपने सजेशंस के बारे में. हम लोग ड्यूरिंग द शो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ताकि वी वांट यू गाइस टू टेक पार्ट इन इट. कि आप लोग आएं और बताएं, अपनी राय भी दें शो को. डे बाय डे वी विल गो इन अ डिफरेंट डायमेंशन. हम शो को बिल्कुल चेंज करेंगे, थीम बेस करेंगे और डिफरेंट सिटीज में आएंगे. वी प्रॉमिस यू दैट आफ्टर रमजान. तो ठीक है, अब मुझे दें इजाजत और अपने सजेशन और ईमेल हमें जरूर करिएगा 11@shal360.tv पे. तो यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मिस मी. टाटा. Alors on danse.